वैगन आर बहुत सारा स्मोक दे रही है फ्रेंड्स, टेल पाइप से आप देख रहे हो कितना सारा धुआं है। तो इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो चेक करने वाले आज। आफ्टर मार्केट सीएनजी इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है और गाड़ी पेट्रोल सीएनजी दोनों के अंदर हल्का सा वाइब्रेशन है, पिकअप नहीं है और मिसिंग सा है और धुआं दोनों के अंदर दे रही है, साइलेंसर से बहुत सारा धुआं है। वैगनर गाड़ी है फ्रेंड्स ये पेट्रोल, और इस गाड़ी के अंदर बहुत स्मोक दिखा रही थी और गाड़ी मिसिंग कर रही थी, तो हमने उसका प्लग और प्लग कोयल खोला है फ्रेंड्स। तो बीच वाला जो पिस्टन है उसका प्लग ब्लैक निकला है और इसके अंदर थोड़ा अलग सा प्रॉब्लम आया है। तो इस गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स पेट्रोल कंटिन्यू हो चुका है, अगर आपको शायद दिखाई दे कैमरे में तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि यहाँ से कितना पेट्रोल निकल रहा है। अभी मैं सेल्फ लगा रहा हूँ गाड़ी को, आप देख सकते हो फ्रेंड्स बीच में से कितना निकलेगा। जा सेल्फ लगा, आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना पेट्रोल निकल रहा है। लगा, बस ये सारा पेट्रोल है फ्रेंड्स यहाँ पे गिरा हुआ है, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल पे भी गिरा है। तो ये इंजेक्टर इसका डायरेक्ट हो चुका है, तो अभी पेट्रोल कंटिन्यू नहीं रह रहा है इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार सेल्फ लगाओ। ओके ओके ओके, तो ये पेट्रोल हो चुका है, चाबी बंद कर दो। तो ये इंजेक्टर हो चुका है डायरेक्ट, ये तीन प्लग है फ्रेंड्स इस गाड़ी के और आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर का है परफेक्ट है और इस थर्ड नंबर का भी थोड़ा सा परफेक्ट है। जो सेकंड नंबर वाला एकदम ब्लैक है फ्रेंड्स, उसको मैंने अभी बाहर रखा तो इसका पेट्रोल था वो उड़ गया है बाप बन के, वरना यहाँ पे पेट्रोल बहुत जमा हुआ था और एकदम ब्लैक है यहाँ, यानी कि ये सही तरीके से फायर नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। वैगनर गाड़ी का इग्निशन ऑन है अभी, गाड़ी पेट्रोल मोड पर है और गाड़ी बंद है अभी, आप देख सकते हो। और अभी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमने चारों तीनों इंजेक्टर चेक किया, परफेक्ट है, फिर भी गाड़ी को स्टार्ट किया तो वही प्रॉब्लम आया। तो अभी हमने क्या किया था, जो फर्स्ट नंबर का इंजेक्टर था वो सेकंड में डाला और सेकंड का फर्स्ट में डाला था, फिर भी ये थर्ड नंबर के अंदर पेट्रोल कंटिन्यू आ रहा है। तो अभी हमने फिर से चेक किया, पहले चेक किया तो ओके बता रहा था वायरिंग, सेकंड बार चेक किया तो फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ फर्स्ट नंबर में इंजेक्टर में डालो, यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है नहीं, इग्निशन ऑन है फिर भी। ओके सेकंड नंबर में डालो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर पेट्रोल का लाइन भरा हुआ रहेगा तो इंजेक्टर से पेट्रोल पिस्टन की ओर चला ही जा रहेगा, क्योंकि इंजेक्टर ओपन पोजीशन में रहेगा जब करंट मिलता रहेगा। तो जो यहाँ पे पेट्रोल आ रहा है इसका रीजन वही है फ्रेंड्स। मैं एक बार सेल्फ लगा दिखाता हूँ आपको, तेरा मुंह दूर रख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रोल आ रहा है, अभी एक पिस्टन पे गाड़ी स्टार्ट हो चुका था, यहाँ पे जो करंट अभी चला गया ठीक है, वो कभी कंटिन्यू नहीं रहता है। अभी करंट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, लाओ सही से पकड़ो, अभी करंट कंटिन्यू नहीं है फ्रेंड्स ठीक है। इग्निशन करते ऑफ, करंट चला गया, यहाँ पे अभी करंट नहीं है क्योंकि वो सही तरीके से इग्निशन पे ही काम करता है। फिर से इग्निशन ऑन करते हैं, तो जैसे इग्निशन ऑन किया यहाँ पे करंट कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये नहीं आना चाहिए, गाड़ी जब स्टार्ट होती है तभी आना चाहिए और वो ब्लिंक होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं। यहाँ पे लगाओ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कोई करंट नहीं है, मैं सेल्फ लगाता हूँ। मुड़ो दूरा लगाए, तो फ्रेंड्स चेक करने के लिए फिर से एक बार दिखा रहे हैं हम कि ये बीच दो नंबर का इंजेक्टर का कपलर है और फर्स्ट नंबर का कपलर है, तो इसके अंदर कितना करंट आ रहा है आप देखो, ये सही करंट है और इसके अंदर गलत आ रहा है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक पिस्टन पे गाड़ी स्टार्ट होगी, यहाँ पे करंट आएगा, स्टार्ट करो, बस ये करंट आप देखो ये सही है, फिर से एक बार स्टार्ट करो, इतना ही करंट आना चाहिए। ओके ओके ओके, अब ये लगा दो और इसमें डालो, लगाओ सेल्फ, आप देख सकते हो कितना फुल करंट है यहाँ पे, बस अभी चाबी चालू है फिर भी करंट यहाँ पे आ रहा है। इग्निशन ऑन, ऑफ करके ऑन करो,
ओके फ्रेंड्स, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे इग्निशन पे करंट, और ये आ रहा है फुल, ये गलत है। और ये सीएनजी का ईसीएम में से आ रहा है अभी वायरिंग जो आफ्टर मार्केट किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है। तो जब भी यहाँ पे इग्निशन ऑन रहेगा तो पेट्रोल कंटिन्यू इंजेक्टर से जाता ही रहेगा पिस्टन पे। और ये दो नंबर का प्लग है वो जल नहीं पा रहा है, यहाँ पे अच्छी तरीके से कंबसन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सीएनजी वाले के पास भेजना पड़ेगा, और इसका जो शायद ईसीएम में प्रॉब्लम है, जो भी होगा वो देख लेगा। ये नहीं आना चाहिए, स्टार्ट करो एक बार। करंट बहुत फुल आ रहा है फ्रेंड्स, इतना नहीं आना चाहिए, और ब्लिंक में आना चाहिए, कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर, ये कंटिन्यू करंट आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। सेकंड नंबर पिस्टन पे जो इंजेक्टर से पेट्रोल कंटिन्यू आ रहा है, वही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये धुआं छोड़ रही है गाड़ी, और वहाँ पे कंबसन में सही तरीके से जल नहीं पा रहा है फ्रेंड्स। तो करंट ईसीएम से आ रहा है, और सीएनजी का ईसीएम लगा हुआ है, उसके आगे कंपनी का ईसीएम रहता है, तो शायद उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो इंजेक्टर पे जो करंट आना चाहिए वो कट ऑफ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम। पेट्रोल और सीएनजी के अंदर एवरेज प्रॉब्लम, आइडलिंग के अंदर वाइब्रेशन, जर्किंग और स्मोकिंग, सभी का प्रॉब्लम एक ही है फ्रेंड्स। जो सेकंड नंबर का इंजेक्टर है वो कंटिन्यू नहीं है, वहाँ पे करंट ईसीएम से जो आना चाहिए वो गलत आ रहा है, वो सिग्नल, इसी वजह से पेट्रोल कंटिन्यू स्टार्ट रह रहा है। तो सेकंड नंबर का कंबसन चैम्बर में फायर सही तरीके से पेट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए गाड़ी धुआं छोड़ रही है और चलाने में मजा नहीं है, और इस गाड़ी का मेन एवरेज नहीं आ रहा है। पेट्रोल और सीएनजी के दोनों के अंदर चलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब सीएनजी पे चलती तभी भी पेट्रोल कंटिन्यू रहता है, और पेट्रोल पे चलती तभी भी पेट्रोल उसको जो मांगता है उससे ज़्यादा मिल रहा है, यही प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।